अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के माझागढ़ प्रखंड के दानापुर गांव स्थित एक पौराणिक मंदिर के पास, जहां इसका इतिहास 400 वर्ष का बताया जा रहा है। इस तरह से जो शिवलिंग है उसका आधा कटा हुआ भाग है और इसके बारे में भी कई तरह के इतिहास भी है, किदवंतियाँ भी है। लोगों द्वारा यह कह रहा है कि यहाँ जो माझागढ़ के राजा थे और उन्होंने इस शिवलिंग को उखाड़ करके अपने राज्य में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और उन्होंने हाथी से भी उखाड़ने की कोशिश किया, बावजूद नहीं हुआ। इसके बाद यहीं पर छोड़ दिया गया और आज वह यहीं पर जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है वह यहीं पर 400 वर्षों के पूर्व का यह शिवलिंग बताया जा रहा है और आज भी लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ। बाबा के लगे जी आवेला ओकर मनोकामना पूरा होला। हमनी के खुद अपने के कपारे भइल बा, हमरा भाई के 60 वर्ष के बाद लड़का भइल बा, तो हमनी के दूसर का कह सकते हैं। ओकरा बाद पूजा पाठ शुरू होकर लगल। हमारे गांव में एक जना मुखिया भइले नया, अशोक मुखिया। कब का ये मंदिर क्या इतिहास क्या है? इतिहास इसका 400 हमनी के होशे नहीं के, लोग पुरान को लोग कहे लगे हमनी के होश नहीं के। राजा साहब के कहानी सुनने बनी सके, हाँ राजा साहब जैसे मंदिर के कोड़वावे खातिर पूरा उपाय कोई नहीं, लेकिन ना उठने हाथी वोथी सब मंगा के हार गए वहाँ के हाथ वाली से मैंने उखाड़ने के लिए, लेकिन नहीं उखड़ने। वहाँ मंदिर भी बनल बा राज में इनका के ले जाए करती, लेकिन ना यहाँ के कोई नहीं। उसके बाद यही स्थापित हो गए, लोग धीरे धीरे जानकारी हो गए लोग, सब लोग पूजा पाठ करो था जे आवेला से एक मनोकामना पूरा होला। छोटा मंदिर ना कोन जे मुखिया भइले अशोक मुखिया, वह मंदिर के बनवले। हेलो, तो सुना आपने इस मंदिर का, इस मंदिर के बारे में कि किस तरह से यह मंदिर पूर्व में पहले छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तस्वीर देख सकते हैं कि यह 108 फीट का यह गुंबज है और काफ़ी सुंदरता और हर जगह इसकी जो कारीगरी है, जो सुंदरता है, काफ़ी झलक रही है। दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और फल की प्राप्ति की कामना करते हैं। साथ ही जो भी यहाँ पर मन्नतें मांगता है उसकी हर मन्नतें भगवान शंकर पूरी करते हैं। राजा साहब हैं, उनके दादाजी जब यहाँ पर एक दलित परिवार का मुश्किल कोड़ रहा था, अपना खेत कोड़ रहा था, तो फावड़ा से लगा तो उसमें से खून का पौनार बह गया, यहाँ के पूर्वज लोग कहते हैं। तो राजा साहब को मालूम हुआ था, राजा साहब वहाँ एक माझा में मंदिर का निर्माण कराए, इस शिवलिंग को ले जाकर वहाँ स्थापना करने के लिए। लोग कहते हैं जो बहुत प्रयास किया गया लेकिन यहाँ से शिव जी नहीं गए। तो लमसम अभी मुजफ्फरपुर से, मतिहारी से, बेतिया से, यूपी के 4-5 जिला से, गोपालगंज, सिवान, यहाँ के लोग हर सोमवारी को आते हैं। इस मंदिर का निर्माण कराने के लिए, 108 फीट बनाने के लिए हम लोग पिलर खुनवाए थे, 12 फीट खुनवाए थे, तो हम लोग 10 फीट नीचे शिवलिंग को चल गए थे। जितना नीचे जाइए उतना मोटा मिलता जाता है। कहते हैं कि यहाँ जो युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, लगातार यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से होकर के भगवान शिव के दर्शन कर रही हैं और जलाभिषेक कर रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा उस शिवलिंग का, जिसमें आज भी वो जो आज भी आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं और यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन महीने के यह पावन अवसर है, हर कोई चाहता है कि भगवान शिव को जलाभिषेक करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये आधा कटा हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो मन्नतें हर पूरी होती है और लगातार यहाँ पर दूर दूर से लोगों का आवागमन रहता है। लोग आकर के यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माझागढ़ के राजा हुआ करते थे। जैसा कि यहाँ के जो केयर टेकर ने बताया कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे और इसी शिवलिंग को उठा करके अपने राज में ले जाकर वहाँ स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से वो शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और आलम यह है कि यहीं पर उन्हें छोड़ना पड़ा। और तब से लेकर आज तक इसी शिवलिंग में और इसी मंदिर में यहाँ के लोग पूजा पाठ करते हैं। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। अटल बिहारी पांडे, ईटीवी भारत, गोपालगंज।